पूर्व विधायक राजकुमार उर्मलिया को पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल, सैकड़ों आरोपियों के साथ हुई कार्यवाही। आप देख रहे हैं बुलेट रिपोर्टर। इस वक्त की बड़ी खबर रीवा से है, जहां सिरमौर विधानसभा से बीएसपी विधायक रहे राजकुमार उर्मलिया को एक बार फिर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि 7 साल पुराने चेक बाउंस मामले में स्थायी वारंट डभौरा थाने में था, जिस पर कार्यवाही करते हुए पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि सैकड़ों आरोपियों को पुलिस ने होली में हुड़दंग करते और वारंटियों को गिरफ्त में लिया था, जिन्हें न्यायालय में पेश किया है। आपको बता दें कि हाल ही में राजकुमार उर्मलिया ने कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। ये वही राजकुमार उर्मलिया हैं जो पूर्व में विधानसभा अध्यक्ष श्रीनिवास तिवारी को हराकर विधायक बने थे, जिन्हें सैकड़ों आरोपियों के साथ हिरासत में लेकर न्यायालय में पेश किया गया है। बताया जाता है कि राजकुमार उर्मलिया जेसीबी मशीन खरीदे थे, जिसका भुगतान नहीं किया गया था। बकाया भुगतान के लिए चेक दिया गया था, लेकिन चेक भी बाउंस हो गया। उक्त मामले में कंपनी के द्वारा न्यायालय में परिवाद दायर किया गया था। राजकुमार उर्मलिया जमानत पर थे, लेकिन कोर्ट में हाजिर नहीं हुए, जिसके चलते न्यायालय ने स्थायी वारंट जारी कर दिया था, जिसे पुलिस ने आचार संहिता लगने के बाद हिरासत में ले लिया और जेल वारंट बनाकर जेल भेज दिया गया है। बुलेट रिपोर्टर के लिए ब्यूरो रिपोर्ट रीवा। नए वीडियोस एवं ताज़ी खबरें मिलती रहें, इसके लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।